हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप स्टेट बैंक में ईएमआई रीसेट कर सकते हैं। बहुत सारे का ये कंसेप्ट है कि अगर एक बार ईएमआई सेट हो जाए तो उसको नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन मैं आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली आपका जो ईएमआई है वो स्टेट बैंक में आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर तीन सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहां पर आप जो आपका होम लोन है, नहीं तो कार लोन है, जो भी है, उसका ईएमआई चेंज कर सकते हैं। पहला सिचुएशन कि आप ईएमआई से ज़्यादा देना चाहते हैं, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन, आप का जो इंटरेस्ट रेट है वो घट गया है। और तीसरा सिचुएशन, आप एक ही टाइम में लामसम कुछ उसमें डिपॉजिट कर दिया है। तो ये तीनों सिचुएशन पे आप ईएमआई चेंज कर सकते हैं। तो पहला जो सिचुएशन मैंने बताया कि आप ज़्यादा देना चाहते हैं, ज़्यादा देने के लिए इज़ वेरी इजी। आपसे बैंक में जाके अगर आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, मतलब स्टेट बैंक की अकाउंट से ही डेबिट हो रहा है, तो आप एक एप्लीकेशन कीजिए कि जो मेरा जो ईएमआई है इतना ज़्यादा मैं देना चाहता हूँ। अगर आप 10,000 दे रहा है, सपोज़ आप 15,000 देना चाहते हैं, तो एक फ्रेश स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का जो पेपर है उसको साइन करके बैंक में सबमिट कर दीजिए। और अगर आप ECS के माध्यम से रिपे करते हैं, मतलब कोई और बैंक से आप रिपे कर रहे हैं, तो एक फ्रेश ECS का मैंडेट साइन करके उसके साथ एक कैंसिल चेक देके आपके ब्रांच में सबमिट कीजिए। मतलब ज़्यादा देने के लिए ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, आपको सिंपली वो जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और ECS का फॉर्म, ये दो अगर जो एप्लीकेबल होगा वो फिलअप करके आप ब्रांच में जमा करेंगे तो आपका ईएमआई का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। दूसरा जो सिचुएशन है वो है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट घट जाए। ये इंटरेस्ट दो सिचुएशन में घटता है, एक ही नॉर्मल कोर्स में घटता है, मतलब बैंक डिक्लेयर कर रहा है बाद में कि इतना इंटरेस्ट घट गया है काइंड ऑफ। और एक चीज़ होता है कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट का पैटर्न है, जैसे बेस रेट से अभी MCLR रेट पे अभी बैंक ले रहा है, जो कैलकुलेट कर रहा है इंटरेस्ट को, तो ये इस टाइप का सिचुएशन में कभी कभी इंटरेस्ट रेट घट जाता है। जैसे पहले बेस रेट में ज़्यादा था, अभी MCLR के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे चला गया है। इस टाइप का सिचुएशन पे आप जाकर अगर एप्लीकेशन करेंगे तो आपका EMI घट सकता है। तो एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। पहला सिचुएशन मैंने बताया कि नॉर्मल कोर्स में इंटरेस्ट घटना। देखिए, ऐसा नहीं है कि बैंक का, अगर सोचिए कि हर महीने इंटरेस्ट रेट घट रहा है, इसके मतलब है कि आपका जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो भी हर महीने घटता जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब साल में एक बार आपका जो इंटरेस्ट है वो रीसेट होता है। मतलब अगर आप अप्रैल में लिया हो होम लोन, तो नेक्स्ट अप्रैल में जो इंटरेस्ट रेट होगा उसी हिसाब से वो रीसेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर मई में एक बार नया इंटरेस्ट रेट आए, जून में एक नया इंटरेस्ट आए, तो आपका इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करते जाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि ऐसे ईयरली में आपका इंटरेस्ट बहुत घट गया है, पहले 10% हो रहा था, अभी 8.35 हो गया है, तो आप बैंक में जाकर अगर अप्लाई करेंगे कि मेरा इंटरेस्ट रेट घट गया है, आप प्लीज़ मेरा ईएमआई घटा दीजिए, तो बैंक वो ये फिर से ईएमआई रीसेट करके आपको कम ईएमआई देने का मौका कर देंगे। और दूसरा जो सिचुएशन है वो बोला कि जैसे मैंने बोला कि इंटरेस्ट का पैटर्न चेंज हो जाना, जैसे पहले बेस रेट था, अभी MCLR के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट होता है। तो अगर बेस रेट से आप MCLR में स्विच करना चाहते हैं तो कुछ फीस आपको बैंक को देना पड़ेगा। क्या फीस है? वो है 0.30%, मतलब 10 लाख में अराउंड 3,000 प्लस GST, मतलब 0.30% मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 25,000,
ये फीस आपको बैंक में देना पड़ेगा विद अ लेटर कि मैं बेस रेट से MCLR रेट में मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो बैंक क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा और आपका जो नया जो इंटरेस्ट रेट है उसी हिसाब से आपका EMI रिसेट कर देगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट कम होने से कैसे करना है। नॉर्मल में अगर इंटरेस्ट घट जाए तो सिंपली एप्लीकेशन कीजिए, और अगर आप रेट का टाइप चेंज करना चाहते हैं जैसे बेस रेट से MCLR, तो आपको एक एप्लीकेशन उसका फॉर्मेट आपको ब्रांच से मिल जाएगा, उसके साथ जो चार्ज लगेगा 0.30% उसका एक चेक एक साथ करके आपको जमा देना है। तो आई थिंक दो आपको अभी क्लियर हो गया है। पहला जैसे कि नॉर्मली आप एप्लीकेशन कीजिए अगर आप EMI बढ़ाना चाहते हैं, और यहाँ पर भी एप्लीकेशन करना है और रेट घटाने के लिए आपको चार्ज देना है थोड़ा। 3, 2, 1। लास्ट जो सिचुएशन हो सकता है कि आप लामसम कुछ पैसा अकाउंट में डाल दिया हो और आप अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा EMI को घटाया जाए। इसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन देना है कि मैंने ऑलरेडी ज़्यादा वहाँ बैंक अकाउंट में जमा कर दिया है, तो प्लीज़ मेरा EMI को रीसेट कर दीजिए। तो बैंक यूजुअली आपका EMI को रीसेट कर देता है। तो आई थिंक आपको अब पता चल गया है कि EMI को रीसेट करना इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है बैंक में। हाँ, अगर आप रेट चेंज टाइप चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा फीस देना पड़ता है जैसे बेस टू MCLR, अदरवाइज सिंपली एप्लीकेशन करके आप EMI रीसेट कर सकते हैं। अब मैं होम लोन में ये जो EMI रीसेट करने का करते हैं आप लोग, इसके बारे में और कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, जो ज़्यादा देना चाहते तो ये आपको मैं बताऊँगा कि स्टेट बैंक में पहले ज़्यादा देने से कोई भी प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही देना चाहते हैं EMI को ना बढ़ा के आप लामसम भी अकाउंट में जमा कर सकते हैं, तो इसके लिए बैंक में जाके आपको EMI बढ़ाने की आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है। जब भी आपका ज़्यादा पैसा हो आप अकाउंट में डाल दीजिए। दूसरा जो चीज़ है कि ज़्यादा होम लोन में अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आई थिंक अभी रीपेमेंट करना नुकसान होगा, क्योंकि अब जो प्रिंसिपल पोर्शन आप देते हैं उसके आप 80C में छाड़ मिलता है, और जो इंटरेस्ट मिल जो आप देते हैं वो ग्रॉस में जो IT से छाड़ मिलता है। तो आप रीपेमेंट करने से पहले एक बार सोचिए। आई थिंक होम लोन रीपेमेंट से करने से अच्छा है कि वो पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। सो दोस्तों, आई थिंक आपका जो क्वारी था होम लोन में इंटरेस्ट रिसेट करने का अभी दूर हो गया है। एंड अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड गुड नाइट।